It is a lecture for class 9th as well as for class 8th. So that is a general lecture, but related to your syllabus of both classes, for class 9th and class 8th. Subject maths. Dear student, आपको पढ़ चुके हो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. आपको बताया जा चुका है ए नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो नोन एज रेशनल नंबर एंड ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी जिसे ए अपॉन बी के रूप में ना लिखा जा सके That called irrational. ऐसा आप जान चुके हो बट इन जनरल whenever number not in the form of fraction, number not in the form of numerator and denominator, then how to identify? I will say how to divide in the category of rational number and irrational number. For that, number one ही होता है terminating decimal expansion. Terminating decimal expansion. Terminating decimal expansion. Example is another thing. For example, 2.539. बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं. 0.3054 क्लियर ये हो गया. अच्छा अब मैं और लिख रहा हूं सेकेंड टाइम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रिकरिंग आर रिपीटिंग इसकी जगह आप वर्ड रिपीटिंग भी यूज कर सकते हो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर एग्जाम्पल 2.355 से ये पहला बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो 3.95 01 01 01 और भी हो सकते हैं थर्ड 0.9 0.33 तो इन्हें हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग और एक तीसरा नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग decimal expansion. Now pay attention, for example, 3.53 01 001 001 dot dot and show. अब dear student ध्यान दो जरा ये नंबर कैसा terminating decimal वही कारण it is terminating यहाँ पे जरा देखो point के बाद जो दसवें जो डेसिमल डिजिट है इन्हें आप काउंट कर सकते हैं कितने डिजिट है 1 2 3 यहां पे जरा पॉइंट का 1 2 3 4 तो अगर डेसिमल के बाद आई डिजिट को आप काउंट कर सकते हो तो उसे कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अगर डेसिमल के बाद आई डिजिट काउंट नहीं कर सकते हो तो कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग तो यहां पे मतलब 3.3555 कई बार आ रहा है पता नहीं कितने बार आ रहा है इसका मतलब ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और चूंकि 5 यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो ये नंबर कैसा हुआ
non-terminating and recurring. और यहाँ भी जरा इसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हो, और एक नंबर है non-terminating and non-repeating. यहाँ पे देखो जरा, ना तो terminating है ये, क्यों कि पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट आ रहे हैं, डॉट डॉट हो रहा है, मैंने पता नहीं कितने डिजिट हैं आफ्टर द पॉइंट. और इस यहाँ पे देखिएगा 53 आ गया 01001, यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है बल्कि एक जीरो बराबर बढ़ रहा है, तो ये माना जाएगा नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग. तो डियर स्टूडेंट पे अटेंशन, इफ द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट देन सेट रेशनल नंबर, तो ये कैसा नंबर होगा रेशनल. और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका भी ये फॉर्म निकल जाएगा ए अपॉन बी. तो इसका मतलब जो फर्स्ट केस है और सेकेंड केस है या सेकेंड फॉर्म है, इस फॉर्म में भी जो नंबर लिखे होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं. लेकिन अगर कोई नंबर इस थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, माने वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो वो नंबर होता है इरेशनल नंबर. क्लियर हो? सो अकॉर्डिंग टू दीज एग्जाम्पल वी मे आइडेंटिफाई कि दैट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर मे बी रेशनल और इरेशनल अकॉर्डिंग टू दिस थ्री कंडीशंस. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन नंबर रेशनल, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन नंबर आल्सो रेशनल, एंड अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन नंबर इज इरेशनल. दैट्स